दोस्तों एक दिन जेठालाल बापूजी और टप्पू दया के पास आते हैं तीनों लोग और बोलते हैं दया से जेठालाल कि मुझे दुकान जाना है, मैं दुकान जा रहा हूँ, आज मीटिंग है दुकान में तो मैं दुकान जा रहा हूँ। फिर जेठालाल दुकान चले जाते हैं। फिर दया को बोलते हैं बापूजी कि मुझे तो अपने दोस्तों के घर जाना है, पूजा करवाना है, तो मैं अपने दोस्तों के घर जा रहा हूँ। फिर टप्पू बोलता है कि मम्मी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के घर, आज मैं वहीं सोऊंगा, अपने दोस्तों के घर ही सोऊंगा, मैं आज नहीं आऊंगा घर। फिर तीनों लोग चले जाते हैं। फिर जब जेठालाल रात को घर आते हैं तो देखते हैं कि दया तो बेड पर बेहोश पड़ी हुई है, तो जेठालाल घबरा जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। तो जेठालाल को एक डॉक्टर मिलते हैं उनके ही घर में। तो डॉक्टर से पूछते हैं आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं? तो डॉक्टर बोलते हैं मुझे तो दया ने कॉल की थी क्योंकि दया को किसी ने जहर दे दिया था, तो दया भी होश होने से पहले मुझे कॉल की थी जिससे मैं जल्द ही आ गया और दया के पेट से जहर निकाल दिया। फिर जेठालाल डॉक्टर के बात सुनकर सोचने लगते हैं और फिर बाहर आते हैं और गेट बंद कर देते हैं और पुलिस को बुलाते हैं फोन करके। फिर पुलिस आ जाते हैं और उस डॉक्टर को पकड़ लेते हैं, मतलब गिरफ्तार कर लेते हैं। क्या दोस्तों आप सभी बता सकते हैं कि जेठालाल डॉक्टर को क्यों गिरफ्तार करवाएं पुलिस से? दोस्तों आपके पास 10 सेकंड का टाइम है सोचने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको पता चल जाए कि जेठालाल ने डॉक्टर को क्यों गिरफ्तार करवाएं, तो दोस्तों अगर आपको आ जाए तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। क्या दोस्तों आपको पता चल गया कि जेठालाल ने उस डॉक्टर को क्यों गिरफ्तार करवाए? क्या दोस्तों आपको पता नहीं चला? चलिए मैं ही बता देता हूँ आपको कि जेठालाल ने उस डॉक्टर को पुलिस से क्यों गिरफ्तार करवाए। दोस्तों जो अभी पार्क में खड़ा हुआ है, जो अभी पार्क में एम्बुलेंस है, आप उस पे लिखे हुए अक्षर को ध्यान से देखिए। एम्बुलेंस तो उल्टा लिखा रहता है ना, लेकिन यह तो सीधा लिखा हुआ है। इसका मतलब दोस्तों यह एम्बुलेंस कार नकली है, इसका मतलब वह डॉक्टर भी नकली है। तो दोस्तों क्यों आपको यह इंटरेस्टिंग पहेलियाँ लगा ना, तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और हमारे चैनल BSK पहेलियाँ को सब्सक्राइब भी कर लें।